नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। दिन शनिवार, मोटिवेशनल स्टोरी का दिन, और आज हम आपके सामने एक ऐसे अभिनेता के संघर्ष की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो काफी संघर्षों के बाद शिखर पर पहुंचा हो व्यक्ति। नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नाम आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे उनको, लेकिन जिस वक्त आप देख रहे होते हैं उसके पीछे की घटना शायद देखे हो। मैं आपको बताता हूं उसके पीछे की घटना। वर्तमान में तो आप देख रहे हैं उन्हें, भाई बहुत सफल अभिनेता हैं, लेकिन बताते हैं आपको। पहले हम चलते हैं उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी पर हल्का सा। 1974 में इनकी पैदाइश होती है उत्तर प्रदेश के बुधाना कस्बे में। मुजफ्फरनगर जिला पड़ता है, बुधाना कस्बा वहीं पड़ता है। प्रारंभिक उनकी शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरनगर में ही होती है इंटर तक, लेकिन उनका गांव में रहने का मन नहीं करता है। अपने 7 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे, 5 भाई 2 बहन, और पिताजी भी इनके किसान थे, संपन्न थे, कोई आर्थिक स्थिति कोई इनकी खराब नहीं थी। लेकिन गांव में जो इनका एक कहना था, अगर हम गांव में रहे तो यहां पे 3 चीज दिखलाई पड़ती हैं, गेहूं, गन्ना, गन और कुछ नहीं। तो इनके अंदर का एक पैशन था और पैशन इनको आगे लेके जाता है। लेकिन पहले आप इनके स्नातक की पढ़ाई देखिए। स्नातक एक गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से करते हैं रसायन शास्त्र में। उसके पश्चात एक गुजरात में एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में चले जाते हैं, वहां पर केमिस्ट के तौर पे। वहां भी उनका मन लगता नहीं। वो कहते हैं ना कि अंदर अगर कुछ और है कर गुजरने का तो बाकी सब चीजें बेकार हैं, कहीं मन लगेगा ही नहीं। वहां से इनको पता चला जो इनके अंदर की बात थी वो थी एक्टिंग करने की। इनका पैशन ही था मूल रूप से, लेकिन होता है हम लोग गांव में क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं हाई स्कूल इंटर फलाना लकाना केमिस्ट्री बीटेक वगैरह एमबीबीएस, एक लेन में हम लोग चलते चले जाते हैं। हम गार्जियंस पहचान नहीं पाते कि बच्चा किस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर वो पहचान लेते या वो बच्चा खुद पहचान लेता तो हो सकता है उस फील्ड की तरफ जाए तो वहाँ पर सफलता जल्दी मिल जाए। लेकिन ये काफी देर से इनको लगा पहचाने, तो इन्होंने दिल्ली में है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां पे इन्होंने एडमिशन लिया, फिर पुनः स्नातक की पढ़ाई की वहां पर। ये 1996 के आसपास वहां पे अपना काम किया। वहां पे कुछ छोटे छोटे नाट्य मंच भी हुआ करते हैं, वो भी किया। उसी दौरान इनकी मुलाकात मनोज वाजपेयी और एक सौरभ शुक्ला से होती है, उनके साथ भी कुछ अभिनय किया। 4 साल बतौर दिल्ली में रहे, कुछ हुआ नहीं वहां पर दिल्ली में। तो इन्होंने कहा कि अगर मरना ही है, भूखो मरना ही है, तो सपनों के शहर मुंबई में जाके कोशिश करें, क्यों दिल्ली में। निकल पड़े मुंबई। क्या बनने? एक्टर बनने। एक्टर 5'6" इनकी हाइट है, दिखने से उस समय, आज तो कुछ ठीक दिखते हैं, उस समय दिखने से एकदम कुरूप आप मान के चलिए। उस समय की फोटोग्राफ आप देख सकते हैं कहीं से। एक्टर हम लोग जो मेंटेलिटी सेट है कि एक्टर ऐसा होगा 6 फुट लंबा होगा, बहुत चिकना चिट्ठा होगा और 6 पैक एब डेवलप किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था इनके पास। एक एक्टर की जो ब्रेन में सेट होता है कि ऐसा होता है, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उनमें कुछ था ही नहीं। बस इनमें था क्या? अंदर का पैशन और एक्टिंग करने की क्षमता, ये थी इनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं था। मुंबई पहुंच गए तो वहां पर रहने का तो कुछ इनका व्यवस्था था नहीं। किसी अपने सीनियर से उन्होंने कहा भाई हमको रहने का कुछ स्थान दे दीजिए। तो सीनियर ने इनसे कहा कि ऐसा है तुम दोनों टाइम का हमारा खाना बना दिया करो तो तुम यहीं पे रह जाओ। तैयार हो गए, क्यों? उनको सपने पूरे करने थे और जहां शूटिंग होती थी चले जाते थे देखने के लिए।
धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। लेकिन किसी भी उससे डायरेक्टर से मिलते थे, फिल्म मेकर से मिलते थे उसके लिए एक्टिंग के लिए कि हमको अपनी फिल्म में या जगह दे दी या सीरियस में जगह दे दिए, सब कहते थे क्या बनना है एक्टर, कहीं लगते तो नहीं हो, अभी लगना चाहिए उनको। उनकी आंखें वो नहीं देख पा रही थी जो उनके अंदर था, फिजिकल अपीयरेंस ही देख रही थी ना। सुनते सुनते तो इनकी जैसे आदत ही पड़ गई। उन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, कि अब तो फर्क ये पड़ता है कि कोई हाँ बोल देगा तब चौकन्ना होते हैं, मैं जानता हूं कि ना ही बोलेगा हमेशा। लेकिन ये करते करते लगभग 1999 2000 के आसपास, हाँ 1999 के आसपास इनको फिल्म में छोटा सा एक रोल मिला। फिल्म का नाम था सरफरोश, हमने देखी फिल्म, काफी अच्छी थी वो फिल्म, और एक अपराधी की भूमिका शायद इन्होंने किया था। और उस समय का हमने देखा था, फिर आज का देखता हूं तो अब देखिए बड़ा अंतर नजर आता है। उस समय भी जो वो लगभग हमको लगता है 30 सेकेंड या 1 मिनट की क्लिपिंग उनकी उनका रोल रहा होगा, लेकिन उस रोल में भी उन्होंने जान डाल दिया था। ये मानिए अगर वो जो व्यक्ति देखा था तो मन पहचानने वाला व्यक्ति पहचान लेगा क्या, नहीं ये लंबी रेस का घोड़ा है भाई। सूल में भी उनको कुछ छोटा सा वर्क मिला था, वहां पर भी उन्होंने काम किया। आगे बस अब धीरे धीरे चलते रहे। फिर अनुराग कश्यप की एक फिल्म थी, उस फिल्म में ये आए, वहां से इनको पहचान मिली। उसके बाद फिर इनका पैर पीछे नहीं खिसका, लगातार माझी द माउंटेन, केक और तमाम सा पीपली लाइफ, तमाम सारी फिल्में की हैं और अच्छी अच्छी सुपरहिट फिल्में इन्होंने किया। और इस वजह से काफ़ी सारे एशिया पैसिफिक अवार्ड, बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड, IIFF अवार्ड, जी सिने अवार्ड, सारे अवार्ड इनकी झोली में आ चुके। 20 साल 25 साल का इनका जो संघर्ष का इतिहास था बहुत ही जबरदस्त रहा। इनका एक कोटेशन था है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठा हो। एक वीडियो भी है इनका, आप देख लीजिएगा। और इसमें उनका कथन यह था, अगर आप खुद से कुछ नहीं करते हैं तब आपको भगवान भी मत नहीं करता। भगवान इंतजार करता है, अल्लाह इंतजार करता है कि हमारा बंदा कब बाहर है कुछ काम करे, तब मैं उसको कुछ दे दूं। और अगर आपके अंदर जिद है कुछ पाने की तो आप वो कर गुजरते हैं, ये डेफिनेट है। इनका एक स्पष्ट मानना था, कुछ ऐसा कर जाओ कि खुद खुदा भी तुम पर फिदा हो जाए। बड़ी अच्छी पंक्ति थी। हमको इनकी मोटिवेशनल स्टोरी, इनके लाइफ का जो संघर्षों का इतिहास था, काफी पसंद आया कि आदमी जब आगे बढ़ रहा था बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है, मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर अपने कदम पीछे खींच लेता है तो वो ऊंचाई गेन नहीं कर पाता जिसके लिए वो वांछित था। अगर वो आगे बढ़ता ही जाता है तो निसंदेह नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी ऊंचाई पा सकता है। आप लोग भी दोस्तों बैकफुट तो कभी होइएगा ही मत, एकदम आगे बढ़ते जाइएगा, कहीं ना कहीं गेम तो इंड होगा। और उस गेम में अगर आप जीते तो भी जीत है, अगर आप हारे तो भी आपकी जीत है, दोनों तरीके से आपकी जीत है। एनालाइज खुद कीजिए, आप महसूस करेंगे जो हमने सेंटेंस बोला वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो मोटिवेशनल स्टोरी थी हमको काफी पसंद आई, क्योंकि संघर्ष का जो दायरा था बहुत लंबा था। और एक गांव से एक व्यक्ति निकलकर एक माया नगरी में पहुंचता है और दिखने में वो व्यक्ति वैसा था ही नहीं जैसी उन लोगों की आवश्यकता थी, बावजूद इसके अपने पैशन की वजह से, अपने जिद की वजह से वो व्यक्ति एक सुपरस्टार बन गया विदाउट एनी अप्रोच। कोई भी प्रतिभा का असली मूल्य यही है। यहां पर आपको कोई सपोर्ट करने वाला, इस व्यक्ति को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था,
कोई अप्रोच नहीं था इस व्यक्ति का कि फलाने ने चिट्ठी लिखी, धमाके ने चिट्ठी चिट्ठी पहुंचाई वहां पर इस डायरेक्टर को, कोई कुछ नहीं। ये व्यक्ति सिर्फ अपनी प्रतिभा के बलबूते पर आज जिस शिखर पर पहुंचा है उसके लिए अपने प्रतिभा का इस्तेमाल किया, और वही प्रतिभा इसको पूरे दुनिया में, अब तो बॉलीवुड में तो है ही, हॉलीवुड में भी उनके हाथ पर चल चुके हैं, हॉलीवुड की तरफ भी इन्होंने रुख मोड़ लिया है। आज की मोटिवेशनल स्टोरी नमाजुद्दीन सिद्दीकी का फिनिश होती है। फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मंडे को तो हम करंट अफेयर पे आपसे मुलाकात हमारी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।